गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल आप सबके? वही घर पर बच्चों, मस्त और स्वस्थ हो आप सब। तो मयंक सर, बच्चों एक बार फिर से आप लोगों के लिए जो अपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम नीट एग्ज़ाम वाले पेपर सॉल्यूशन की एक सीक्वेंस चला रखी थी, उसमें 2019, 18, 17, 16, 15 तक के अपन ने पेपर सोल्व कर लिए थे बच्चों, उसी कड़ी में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नीट 2013 का पेपर, AIPMT नीट 2013 का पेपर। इसमें अपन बायोलॉजी वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। रेडी हैं आप? चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन उसमें बोर्ड पर आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन बच्चों, ये इवोल्यूशन का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे कि द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ केट, बार बार कहता हूँ होमोलोगस एनालोगस घोट लेना, इनसे बच्चों रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऑक्टोपस की आंख और कैट बिल्ली की आंख शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, तो फंक्शन सेम है। तो सीधी सी याद रख लो, सबसे पहले बच्चों आपको ओरिजन देखना है, ओरिजन सेम है तो होमोलोगस, डिफर है तो एनालोगस, तो यहां फंक्शन सेम है तो एनालोगस, और एनालोगस से कन्वर्जेंट होता है कि डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट अभिसारी उद्विकास। तो पहला एनालोगस, डाइवर्जेंट से नहीं होगा बच्चों, होमोलोगस नहीं है, होमोलोगस नहीं है, तो फोर्थ दिख रहा है मुझे एनालोगस विद कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट जिसमें एंसेस्टर पूर्वज अलग अलग होते हैं बच्चों। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन में चलें, क्वेश्चन सेकंड, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट लोकोमोशन इन ह्यूमन, मानव में गमन के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट पहला जॉइंट से रिलेटेड और सब है, जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्राइज ए फाइब्रस जॉइंट, ये कह रहा है बच्चों निकट वाली कशेरुकाओं के बीच का जॉइंट फाइब्रस होता है, फाइब्रस कौन सा होता है, इमूवेबल अगतिशील, वो तो बच्चों स्कल की फ्लैट बोन के बीच होता है, वो अपन पढ़ते हैं किसके बीच, फाइब्रस आया था ना स्कल जिसमें मूवमेंट बिल्कुल एब्सेंट होती है, वहां टीबिया फिबुला वाला वही, ये कह रहा है एडजेसेंट वर्टिब्रा के फाइब्रस जॉइंट होता है, गलत है, जो निकट की कशेरुकाएं हैं वर्टिब्रा है उसमें तो बच्चों एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जिसको अपन कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं, और जो जाइगेपोफाइसिस है उनके बीच ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, फाइब्रस नहीं होता, गलत है। ए डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस का कारण प्रोजेस्टेरोन की कमी है, जब एनसीईआरटी में बच्चों आप देखोगे तो प्रोजेस्टेरोन नहीं, इसकी जगह क्या आएगा, एस्ट्रोजन आएगा, लोकोमोशन मूवमेंट वाले डिसऑर्डर से रिलेटेड लाइन आई। एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट कॉजेज देयर इन्फ्लामेशन, यूरिक एसिड के क्रिस्टल अगर जोड़ जॉइंट में जमा हो गए तो स्वेलिंग आ जाती है बच्चों, और इसी इन्फ्लामेशन स्वेलिंग को एक नाम देते हैं अपन गाउट, गठिया, सही है। द वर्टिब्रल कॉलम हैज 10 थोरेसिक वर्टिब्रा, 10 नहीं, अपने में कितनी होती है 12, तो करेक्ट आंसर आ गया बच्चों थर्ड। क्लियर? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, क्वेश्चन थर्ड, फॉस्फोग्लिसराइड बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है बच्चों, इज ऑलवेज मेडअप ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड, किसका बनेगा, तो ये जो ट्राइग्लिसराइड डाइग्लिसराइड अपन बोलते हैं बच्चों, एक तो इसमें आता है कौन, ग्लिसरोल, ग्लिसरोल के ग्लिसरोल एस्ट्रिफाइड होता है ना, किसके साथ, फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, सैचुरेटेड हो सकते हैं, और फॉस्फोग्लिसराइड दे दिया तो फॉस्फोग्लिसराइड का मतलब साथ में और कौन जुड़ जाएगा बच्चों, फॉस्फेट। क्लियर? तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डीएस्ट्रीफाइड, डीएस्ट्रीफाइड थोड़ी होगा, एस्ट्रीफाइड होगा, एस्टर बॉन्ड बनते हैं ना, एस्ट्रीफाइड, तो ये गलत हुआ बच्चों। ओनली ए सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड नहीं अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, असंतृप्त भी हो सकते हैं, ओनली एन अनसैचुरेटेड गलत, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्ट्रीफाइड टू ग्लिसरोल मोलिक्यूल टू विच ए फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो अटैच्ड, तो साथ में फॉस्फेट ग्रुप आ गया इसलिए फॉस्फोग्लिसराइड बोल दिया। क्लियर है? चलो ये बायोमोलिक्यूल का बच्चों क्वेश्चन था। नेक्स्ट, पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म इज, पेरिस्पर्म ये जो स्टोरेज बच्चों फूड स्टोरेज के जो रिमेनिंग न्यूसेलस का पार्ट है उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं, वो एंडोस्पर्म से डिफर है क्यों, अब एंडोस्पर्म का तो आपको पता ही बच्चों जो भ्रूणपोष है वो तो कैसा होता है, ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर होती है, और जो पेरिस्पर्म है वो कैसी होती है, ये डिप्लोइड होती है,
पेरिस्पम जो थिन पेरिस्पम बच्चों अपन इसमें ब्लैक पेपर काली मिर्च वगैरह में बताते हैं ना रिमेनिंग पार्ट जो हो गया, तो पेरिस्पम डिफर फ्रॉम एंडोस्पम इन इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद सर्वर स्पर्म से फ्यूज होता है, बीइंग ए हैप्लोइड टिश्यू हैविंग नो रिजर्व फूड तो होता ही है, बीइंग ए डिप्लोइड टिश्यू तो पेरिस्पम डिप्लोइड टिश्यू है जबकि एंडोस्पम कैसा है बच्चों ट्रिप्लोइड, इस बेस पर डिफर होता है, क्लियर। तो एंडोस्पम तो वैसे ही अपने को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, ए सेडेंटरी सी एनीमोन गेट्स अटैच्ड टू द शेल लाइनिंग ऑफ हर्मिट क्रेब, द एसोसिएशन इज, ये वो वाला इकोलॉजी का क्वेश्चन, हर्मिट क्रेब साधु केंकड़ा यूपेगुरस उसका और सी एनीमोन का बच्चों कनेक्शन, तो जो हर्मिट क्रेब है उसकी शेल के ऊपर सी एनीमोन को बिठा लेता है वो, और सी एनीमोन उसके थ्रू बच्चों लोकोमोशन में जगह चेंज करने में हेल्पफुल होती है, और उसको हर्मिट क्रेब को बता देते हैं उससे प्रोटेक्शन मिलता है। अब वैसे तो ये प्रोटो कॉर्पोरेशन का एग्जाम्पल है बट आपके एनसीईआरटी में भी मिलेगा, वो ऑप्शन में नहीं है तो अपन मोर प्रॉपर में क्या कर सकते हैं, कमेंसलिज्म जिसमें पॉजिटिव और न्यूट्रल, पॉजिटिव और न्यूट्रल कंसीडर कर देंगे, बाकी प्रोटो कॉर्पोरेशन है दोनों को एक दूसरे से हेल्प होती बट वो है नहीं तो अपन बच्चों कंसिडर कर देंगे कमेंसलिज्म। सिम्बाइसिस में तो टाइटली लिंक्ड वाला आता ना कंपलसरी है जबकि यहां ऐसे कोई कंपलसरी नहीं होता इसलिए कमेंसलिज्म। एक्टोपैरासाइटिज्म में एक को बेनिफिट एक माइनस में आएगा लॉस होता है, कमेंसलिज्म में नेगेटिव और न्यूट्रल वाला वो आ जाएगा बच्चों, तो इसमें बेस्ट तो प्रोटो कॉर्पोरेशन रहता है लेकिन वो नहीं है इसलिए कमेंसलिज्म कर लिया, क्लियर। चलें आगे, कंपलसरी होता तब सिम्बाइसिस में आ जाता। द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इन साइड द ह्यूमन बॉडी CMI, और एक इम्यूनिटी होती है बच्चों AMI और इसी को अपन बोल देते हैं HMI, ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो CMI का तो मीडियम कौन सी सेल बनती है, टी सेल, और AMI एंटीबॉडी मेडिएटेड का बनती है बी सेल, क्योंकि एंटीबॉडी बनाना बच्चों किसका काम है, बी सेल का, और ये ऐसे भी इंपॉर्टेंट है कि वो जो टी सेल और CMI है यही ट्रांसप्लांट ऑर्गन को रिजेक्ट करती है। ये क्वेश्चन भी बच्चों कई बार आ गया कि ट्रांसप्लांट ऑर्गन के रिजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन, CMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट के थ्रू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वॉटर, गहरे समुद्री जल में इनमें से क्या होगा, सेप्रोफाइटिक फंजाई बच्चों, मृत जीवी कवक नहीं, आर्किबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया में वही हाँ वो जो वेंट वाले होते ना हाइड्रोफिलिक वेंट वाले जो हाइड्रोथर्मल वेंट में बच्चों मिलते हैं हाई टेम्परेचर पर भी जो सर्वाइव कर जाते हैं, इन्हीं में एक एग्जांपल वो थर्मस एक्वेटिवस वाला बायोटेक में अपन यूज करते हैं ना थर्मोस्टेबल, हाँ वही एंजाइम टेक पॉलीमरेज वाला, तो जो आर्किबैक्टीरिया है हाइड्रोथर्मल वेंट में जो मिलने वाले वो डीप सी में प्रेजेंट होते हैं गहरे में, तो इसमें आंसर अपना सेकेंड आर्की प्रिमिटिव बैक्टीरिया बच्चों, आर्किबैक्टीरिया। नेक्स्ट, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फाइलम आर्थ्रोपोडा, टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन, इनमें से आर्थ्रोपोडा का रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल कौन सा है, फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश तो एक्सोसीटस होती है बच्चों, है एनसीईआरटी में एग्जांपल, ये तो ऑस्टिक्थीज है, ट्रू फिश होती है, कटल फिश बच्चों, कटल फिश होती है सेपिया, ये मोलस्का है आर्थ्रोपोडा नहीं है, सिल्वर फिश एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल जिसको अपन लैपिस्मा भी बोलते हैं, ये बच्चों आर्थ्रोपोडा है, और सिल्वर फिश जो होती है ना इसका एक और यूनिक फीचर है इसमें विंग नहीं होते, विंग लेस इंसेक्ट है बिना पंखों का कीट, इसलिए बच्चों इंसेक्ट का यूनिक फीचर होता है 3 paired legs, 3 जोड़ी टांगे ना कि विंग्स, क्लियर। और पफर फिश ये भी ट्रू फिश होती है, तो अपना आंसर गया थर्ड सिल्वर फिश जो आर्थ्रोपोड है और आर्थ्रोपोड में भी वो इंसेक्ट है। मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, मेगास्पोरेंजियम इसमें किसके समान है बच्चों, हाँ उसी में मेगा वो स्पोर मदर सेल वगैरह ओवरी के अंदर ही होती है ना ये सारी चीजें, तो अपन इनमें एम्ब्रियो सैक फ्रूट न्यूसेलस में अगर बात करें तो इनमें सबसे प्रॉपर रहेगा एग्जैक्ट इनमें से ओव्यूल मोर प्रॉपर, मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल की इसको इक्विवेलेंट बोला जा सकता है। ठीक चलें, ये लो इकोलॉजी का क्योटो प्रोटोकॉल आ गया था, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं COP से कनेक्टेड, तो क्योटो प्रोटोकॉल बच्चों ग्रीन हाउस गैसेस से कनेक्टेड था ना,
कि कैसे ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट को, इनके रिलीजिंग को कम किया जा सके, उसी क्योटो प्रोटोकॉल में था जो COP 3rd में एंडोर्स हुआ था ना। COP बोले तो बच्चों कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, तो ये जो थर्ड था COP उसी में ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट को कम करने के लिए वो इसमें एंडोर्स किया गया था, तो इसमें अपना आंसर आ जाएगा सेकंड। अगला ग्रीन हाउस गैसेस में वही बच्चों CO2 मीथेन क्लोरोफ्लोकार्बन वो सारी इसी में। फिगर ये डायग्राम बच्चों दिख रहा आपको, मैं थोड़ा सा इसको, ये अपने NCERT का डायग्राम है देख लो, वो एक्सिलेटरी सिस्टम है जो दे रखा ना उसी से कनेक्टेड। तो ए वाला पार्ट तो बच्चों एड्रिनल ग्लैंड है, ये थोड़ा सा आप देख लेना छोटा दिख रहा होगा। बी जो इसमें है ना वो ये इनर पार्ट आ गया, सी इसमें पिरामिड है, डी इसका कॉर्टेक्स है, ठीक है। तो इसमें अपन सोल्व करते हैं इसको, तो डी कॉर्टेक्स आउटर पार्ट ऑफ किडनी, तो डी कॉर्टेक्स है ठीक है, आउटर पार्ट ऑफ किडनी एंड डू नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ नेफ्रोन, इसमें नेफ्रोन का कोई भाग शामिल नहीं होता, ये बात गलत होगी ना बच्चों। कॉर्टेक्स और मेडुला में, कॉर्टेक्स में तो नेफ्रोन के कौन कौन से पार्ट आ गए, कॉर्टेक्स में आ गया बोमन कैप्सूल आ गया, PCT आ गई, DCT आ गई, ये सारे पार्ट किसमें होते हैं कॉर्टेक्स में। सेकेंड ए एड्रिनल ग्लैंड, बिल्कुल ए किडनी के ऊपर, ये कौन है बच्चों एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, किडनी के अग्र पर स्थित होती है, सही बात है। सिक्रीट कैटेकोलेमींस विच स्टिमुलेट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, कैटेकोलेमींस आते हैं, कैटेकोलेमीन बोले तो दोनों हॉर्मोन कौन कौन से, एड्रिनेलिन और नोर एड्रिनेलिन, इन्हें कंबाइनली हम क्या बोल देंगे कैटेकोलेमींस, क्लियर है। तो आंसर इसका गया सेकेंड। बी पेल्विस, तो बी पेल्विस ब्रॉड फनल शेप्ड शेप इनर टू हाइलम डायरेक्टली, ये कैलिक्स होता है बच्चों, और सी मेडुला, सी पिरामिड है ना कि मेडुला, तो इसमें आंसर अपना गया सेकंड, क्लियर। चलें अगले क्वेश्चन पे, चलो क्वेश्चन 12। इन चाइना रोज द फ्लोवर आर, चाइना रोज बच्चों गुड़हल, इसमें फूल के बारे में पूछ रहा है, जाइगोमोर्फिक और एक्टिनोमोर्फिक, हाँ बोलते हैं ना अगर फ्लोवर को बच्चों अपन जैसे सिमेट्री के रेफरेंस में बोल देते हैं कि भी बाइलेटरल एक ही एक्सिस से अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो जाइगोमोर्फिक हो गया, मोर देन वन प्लेन से आप डिवाइड कर दो तो उसको एक्टिनोमोर्फिक बोलते हैं, तो यहाँ मोर देन वन प्लेन से रहता है तो एक तो ये क्या हो गया एक्टिनोमोर्फिक। दूसरा हाइपोगाइनस या एपिगाइनस, तो इसमें बच्चों हाइपोगाइनस ओवेरी और जो ये फ्लोवर के पार्ट होते हैं उनके रेफरेंस में अपन यूज करते हैं, तो जो ओवेरी है हाइपोगाइनस में क्या पोजीशन बच्चों, तो एक्टिनोमोर्फिक, एक्टिनोमोर्फिक समझ गए। अब हाइपोगाइनस कंडीशन में आ गया कि यहां हाइपोगाइनस में बच्चों जो ओवेरी की पोजीशन है सुपीरियर ओवेरी और रिमेनिंग जो पार्ट है फ्लोवर के वो ओवेरी के नीचे, तो उनके रेफरेंस में हाइपोगाइनस और ओवेरी की पोजीशन से पर, तो इसमें आ गया सेकंड एक्टिनोमोर्फिक एंड हाइपोगाइनस विद ट्विस्टेड एस्टिवेशन, तो ये हाइपोगाइनस की वजह से, यहां एपिगाइनस दे रखा है ये रॉन्ग हो गया, जाइगोमोर्फिक नहीं होता इसमें एक्टिनोमोर्फिक, क्लियर। अगला क्वेश्चन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले मेजर रोल इन, एक बच्चों सेल बायोलॉजी में सेल ऑर्गेनल्स में हर बार ये सेल ऑर्गेनल्स और उनके फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, मेनली गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें RER SER ये दोनों के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन आ गया है कि पहला ही दे दिया इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड, बिल्कुल लिपिड का जो ग्लाइकोसिडेशन है उसमें बच्चों गोल्जी कॉम्प्लेक्स का रोल होता है, ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड। आगे और देख लो आप, इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू केमिकल एनर्जी, इसमें गोल्जी बॉडी का रोल नहीं, ये क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड से कनेक्टेड फंक्शन हो गया। इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये हम बता सकते हैं लाइजोजोम के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये काम करते हैं, एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनल, एनर्जी ट्रांसफर ऑर्गेनल्स में रोल नहीं, तो फर्स्ट मेन बच्चों ये लिपिड का क्या करेगा ग्लाइकोसाइडेशन, तो इसमें आंसर अपना कौन दे दिया फर्स्ट। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, व्हाट एक्सटर्नल, बच्चों कॉकरोच से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मोल्ट ऑफ कॉकरोच निम्फ, तो कॉकरोच में
अपने को बताना कि भाई एग से जो बच्चों मिड स्टेज है वो निम्फ आती है और निम्फ फिर एडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट होता है। निम्फ का कन्वर्जन एडल्ट में कहलाता है मोल्टिंग, और कितनी बार मोल्टिंग, लगभग 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है तब बच्चों एडल्ट कॉकरोच बनता है। तो लास्ट मोल्टिंग से ठीक पहले, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, लास्ट मोल्टिंग से ठीक पहले, वैसे बच्चों जो निम्फ होता ना, निम्फ में विंग्स नहीं होते, विंग्स लास्ट मोल्टिंग के बाद ही आते हैं, तो लास्ट मोल्टिंग से पहले जहां विंग्स आएंगे वहां एक स्ट्रक्चर बनती है, दैट्स कॉल्ड विंग पैड, पक्ष तल्प उसको बोलते हैं, और उन्हीं विंग पैड पर फिर क्या लग जाएंगे, विंग्स लग जाएंगे। तो लास्ट मोल्डिंग से पहले लेबियम, मैंडिबल, एनल, सरसाई पहले ही हो गए, बोथ फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स आर डेवलप, फोर और हाइंड विंग्स बन जाते हैं मोल्डिंग के लास्ट मोल्डिंग से पहले, क्लियर। बाकी निम्फ में बच्चों विंग्स नहीं होते, वो एडल्ट कॉकरोच के कंपेयर साइज में भी छोटा। आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लेजिलेटेड गैमेट इज फाउंड इन, ये भी मिल जाएगा एनसीईआरटी में, नॉन फ्लेजिलेटेड गैमेट और आइसोगैमस, आइसोगामी इन बच्चों जो गैमेट होते हैं वो मोर्फोलॉजिकली क्या रहेंगे, सिमिलर, सेम गैमेट, और एक अपन एनआइसोगैमी पढ़ते हैं, जनरली बताते हैं ओवम इज लार्जर देन स्पर्म, तो यहाँ आइसोगैमस सिमिलर और नॉन फ्लेजिलेटेड, बिना फ्लेजिला के गैमेट, बताओ कौन सी एल्गी, बिल्कुल स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा में कंडीशन है, आपको प्लांट एम्ब्रियो के जो फर्स्ट सेकेंड चैप्टर वहां ये एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। देन बायोमोलिक्यूल में एंजाइम का क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइम रिएक्शन, वही है ना कि भाई सबस्ट्रेट एंजाइम से रिएक्ट कर बीच में एक ट्रांजिशनरी स्टेज आती है, और ट्रांजिशनरी स्टेज के बाद ही वो प्रोडक्ट और साथ में एंजाइम बाहर निकल जाएगा। तो जो बीच वाली ट्रांजिशनरी स्टेज होती है, ट्रांजिशनरी स्टेज, इसमें बच्चों वो जो बीच वाली स्टेज वो स्टेबल थोड़ी होती है, अनस्टेबल है, थोड़ी टाइम के लिए रहेगी और देन कन्वर्ट इन टू प्रोडक्ट विद एंजाइम, तो क्षणिक होती है, क्षणिक का मतलब इंग्लिश में ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल, अनस्टेबल अस्थाई है, तो वही सबस्ट्रेट फाइनली कन्वर्ट इन टू प्रोडक्ट और एंजाइम वापस रिलीज हो गया और वो अगली रिएक्शन में फिर यूज हो जाएगा। चलो बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, बताता हूँ मैं जो एनसीईआरटी से कनेक्टेड है बच्चों। सेलेक्ट द आंसर विच करेक्टली मैच द एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड का क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने, करेक्टली मैच अपने को ढूंढना है बच्चों। एंडोक्राइन ग्लैंड कार्पस ल्यूटियम से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आता है क्या? गलत, कार्पस ल्यूटियम से मेनली प्रोजेस्टेरोन आता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन थोड़ी आता है, ये तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है बच्चों, पश्च पीयूष, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन ही आता, गलत, ये तो एंटीरियर से आता है। थायरॉइड ग्लैंड से थायरोक्सिन सही है, उसकी कमी लैकोफाइडिन इन डाइट रिजल्ट इन गोइटर, अगर भोजन में आयोडीन कम है तो गोइटर, घेंघा, गलगंड रोग हो जाता है, तो करेक्टली मैच पूछा है, तो फोर्थ गया। अगले पे आओ, कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन बच्चों, कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर व्हाइट इज कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ, ये ध्यान आया गया, वो क्रोमोजेनिक वाला दे रखा ना, उसमें बच्चों जो लैक जेड जो जीन है, लैक जेड जीन, ये कौन सा एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये आपको मोल बायो में भी मिल जाता है जेड बाई ए, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बच्चों इसकी प्रेजेंस में कॉलोनी का कलर ब्लू होता है, ब्लू कॉलोनी का कलर आता है, और अगर इस लेक जेड जीन को हटा दिया जाए और उसकी जगह बच्चों अपन ने कोई डिजायर्ड डीएनए जीन इंसर्ट कर दी, डिजाइड इंसर्ट कर दी, तो लेग जेड हट गया, लेग जेड हट गया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो कॉलोनी ब्लू कलर नहीं आएगा, तो अगर लेग जेड जीन है तब तो नॉन रिकॉम्बिनेंट, उसकी जगह अपन ने डिजाइड जीन डाल दी तो वो रिकॉम्बिनेंट हो गया, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ब्लू और नॉन रिकॉम्बिनेंट व्हाइट, देख लो क्या पूछ रहा है। नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम, ग्लाइकोसाइडेज नहीं है बच्चों, गैलेक्टोसाइडेज है। नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सही है, नॉन रिकॉम्बिनेंट में बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा, आंसर आ गया सेकेंड, ये अल्फा गैलेक्टोसाइडेज की वजह से गलत, यहाँ क्या आएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोइशियस प्लांट ऑफ कारा शो अक्रेंस ऑफ कारा, मोनोइशियस, मोनोइशियस का मतलब क्या समझे, बाइसेक्सुअल,
हर्मेफ्रोडाइट बोल देना अपन, मेल और फीमेल एक साथ, तो मोनोइसियस हो गया बच्चों। डायोइसियस को हम यूनिसेक्सुअल बोल देते ना, ये बायोसेक्सुअल। तो कारा में अपने को पता ही है, कारा के प्लांट में वो ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल्स की अपन बात करते हैं, तो इसमें बच्चों पोजीशन, तो जो फीमेल वाला गैमेट वो ऊपर और जो मेल है वो लोअर। तो मेल आ गया ना ग्लोब्यूल, मेल न्यूक्यूल वो आ गया। तो देख लो, अपर उगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट, क्योंकि मोनोइसियस है तो प्लांट सेम होगा। तो फर्स्ट ही आ गया, उसमें भी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अपर और मेल वाला लोअर। क्लियर है? चलो फिर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी, अनुन्मिल्यता, अनुन्मिल्यता बोलते हैं ना क्लिस्टोगेमी, उसी फ्लोवर पे, उसी फ्लोवर के मेल गैमेट, उसी के फीमेल गैमेट, सेल्फ पोलिनेशन वाला ही। तो बच्चों इसमें जैसे बता देते हैं कि कुछ फ्लोवर जैसे हमेशा क्लोज रहते हैं तो जो क्रॉस पोलिनेशन है उसके चांसेस नहीं होते, तो क्रॉस पोलिनेशन को रोकने के लिए आ गया ये क्लिस्टोगेमी, इसमें सेल्फ ही होता है। तो पाइसम सेटाइवम की भी अपन इसमें बात कर लेते हैं बच्चों। तो एडवांटेज क्लिस्टोगेमी का क्या है? विविपेरिटी, हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मोर वाइग्रस ऑफ स्प्रिंग, नो डिपेंडेंस ऑन पोलिनेटर। तो ये पोलिनेटर पे डिपेंड नहीं रहेगा क्योंकि वो तो उसके खुद के ही मेल और फीमेल गैमेट हो गए ना, तो दूसरे पोलिनेटर पर ये डिपेंड नहीं रहता। तो ये सेल्फ है क्रॉस को रोकने के लिए, क्लिस्टोगेमी, अनुन्मिल्यता जिसको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चों, लोकोमोशन मूवमेंट का अगला क्वेश्चन था, एच जोन इन स्केलेटल मसल्स फाइबर इज ड्यू टू, कंकाली पेशियों में जो एच क्षेत्र है उसका रीजन पूछ रहे हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो एच जोन बच्चों बता दूं मैं आपको कि जैसे ये एक्टिन और मायोसिन होते हैं ना, एक्टिन और एक्टिन के बीच में कौन आ गया, मायोसिन आ गया, ये मायोसिन, ये जेड लाइन, ये एक्टिन, ठीक है। अब बच्चों एक्टिन के बीच वाला ये जो पार्ट है ना, जो केवल मायोसिन का बना है, इसको अपन बोल देंगे एच जोन, ठीक है। ये साइड वाला ये आई बैंड हो गया, ए बैंड, और बीच में एच जोन। तो एच जोन में केवल कौन होगा, मायोसिन होगा। तो देखो, एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड, ए बैंड के सेंटर में, ए बैंड के सेंटर में एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड। तो मायोसिन फिलामेंट तो होते हैं बच्चों, ओनली मायोसिन रहेंगे इसमें, एक्टिन का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ मायोफाइब्रिल्स इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड, गलत, द सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड के मायोसिन फिलामेंट के बीच का सेंट्रल गैप, द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड। तो ये कह रहा है एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, मतलब बीच का गैप। बच्चों देखो, स्टेटमेंट पहला और चौथा लगभग एक सा है, लेकिन ढंग से इसको पढ़ोगे, द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट, ये येलो वाला एक्टिन है, एक्टिन फिलामेंट के बीच वाला है सेंट्रल गैप, बीच का अवकाश, एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, जिसमें केवल मायोसिन फिलामेंट है और वो ए बैंड का मिडल पार्ट हो गया। तो इसलिए चारों ऑप्शन जब पढ़ोगे ना, तब बच्चों आपको मोर प्रॉपर आंसर वहां मिलेगा, और ये आंसर जाएगा इसमें फोर्थ। क्लियर? स्टेटमेंट पढ़ते ही दिमाग में आ जाएगा, लेकिन चारों अपने को देखने। नेक्स्ट 22nd, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल बच्चों कृत्रिम वीर्य सेचन, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर डायरेक्टली इन द ओवरी, ओवरी में थोड़ी स्पर्म रिलीज करेंगे, गलत, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा वो तो इन विट्रो हो गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हेल्दी डोनर के जो स्पर्म है, सीमेन है, वो बच्चों फीमेल के यूट्रस और वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है ना। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हस्बैंड टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग, गलत, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर इनटू वेजाइना, ये कहलाएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और अगर इसको यूट्रस में इंसेमिनेट कर दें तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, उसी का पार्ट होता है। नेक्स्ट बच्चों, विच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू द सेम फाइलम, सेम फाइलम से बिलोंग करने वाले एनिमल के ग्रुप को छांटो, टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन, स्पंज, पोरीफेरा, सी एनिमोन, सिलेंट्रेटा, स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा, ये तो एक ग्रुप के नहीं है, मलेरिया पैरासाइट, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, अमीबा, प्रोटोजोआ, मॉस्कीटो, प्रोटोजोआ, ये तीनों कौन से फाइलम के आ गए, प्रोटोजोआ के आ गए, मॉस्कीटो,
मैंने बोल दिया यार मान रहे हो, मॉस्किटो तो आर्थ्रोपोडा वाना मोथो आर्थ्रोपोड इंसेक्ट है, हाँ अर्थवॉर्म एनेलिडा पिनवर्म एंटेरोबियस एसके हेलमंथीज और टेपवर्म प्लेटी हेलमंथीज गलत, प्रॉन झिंगा आर्थ्रोपोडा स्कॉर्पियन बिच्छू आर्थ्रोपोडा लोकस्टा टिड्डी आर्थ्रोपोडा, तो फोर्थ आ जाएगा, ये तीनों किसके हैं आर्थ्रोपोड। अरे टिड्डी खूब चली इस बार तो। ग्रिगेरियस पेस्ट है, यूथ चर समूह में रहती है, पेस्ट का मतलब पीड़क, अपनी फसलों को खेतों में जो क्रोप फसलें लगी हुई थी खा पी के साफ कर देती है, इसलिए पेस्ट बच्चों। अगला सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन, किसमें बीचोल पतला नहीं होता, बीजावरण पतला नहीं होता, ग्राम चना मेज मक्का कोकोनट, कोकोनट नारियल, नारियल खाया है अपन ने, तो इसमें बच्चों जो एंडोस्पर्म के बाद वाला जो गिरी जो होगी ना उसके ऊपर जो कवरिंग जो होती है हार्ड वो ही क्या कहलाता है इसमें सीड कोट। तो कोकोनट में थिन नहीं होती। इफ टू पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप, चलो जेनेटिक्स और सर्कुलेटरी को मिक्स कर दिया, ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन है। टू पर्सन ए बी ब्लड ग्रुप मैरी एंड हैव सफिशियंटली लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दीज चिल्ड्रन कुड बी क्लासिफाइड एज ए ब्लड ग्रुप ए बी एंड बी, 1:1 रेशियो में आए। मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस रिवील प्रेजेंस ऑफ बोथ एंड बी टाइप ऑफ प्रोटीन इन ए बी ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल, ये तो सब ऐसे ही ज्ञान दे दिया क्वेश्चन लास्ट लाइन में। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप बच्चों किसका एग्जाम्पल है, तो आपको पता है इट्स इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस, शह प्रभाविता। कैसे, तो आई ए आई बी, तब ब्लड ग्रुप कैसा होगा ए बी, तो जब दोनों इक्वली डोमिनेंट हो, दोनों एक साथ एक्सप्रेस हो, साथ साथ कोई क्या बोलते हैं सह प्रभाविता को डोमिनेंस। अब इसमें भी देख लेना बच्चों, अगर मैं ए ब्लड की बात करूं या मैं बी ब्लड की बात करूं तो इसमें ए होगा और इसमें बी होगा, क्योंकि ए जो ब्लड ग्रुप है बी जो ब्लड ग्रुप है वो ओ पर बच्चों क्या है डोमिनेंट है, तो ए एंड बी नॉट ए बी, ए एंड बी ये तो बच्चों एग्जांपल होंगे डोमिनेंस के, प्रभाविता के, ध्यान रख लेना। और ए बी ब्लड ग्रुप एग्जांपल होगा को डोमिनेंस का, और एक साथ आ जाए ए बी ओ ब्लड ग्रुप इज एग्जांपल ऑफ, तो बच्चों वो मल्टीपल एलील बोल देंगे, बहुयुग्म विकल्पिता, जिसमें एक जीन के दो से ज्यादा एलील होते हैं, और ब्लड ग्रुप की जीन है आई, इसके एलील होते हैं तीन, तो दो से ज्यादा एलील हो मल्टीपल एलील, कोडोमिनेंस सेकंड आ गया। चले नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन डेवलपिंग फिटस बाई एमनियोसेंटेंसिस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला एमनियोसेंटेंसिस उल्भवेदन, जिसमें बच्चों डॉक्टर वो एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल के जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बताता है, वो जो एमनियोटिक फ्लूइड फिटस का बाहर आएगा उसके क्रोमोजोम की स्टडी करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड में वही सेल्स होती है जो फीटस में, उन सेल के क्रोमोसोम की माइक्रोस्कोप से स्टडी की, तो बच्चों क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के बारे में पता चल जाता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पता चल जाता है, लाइक डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे पता चल जाते हैं जो क्रोमोसोम की गड़बड़ी से होते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है, एनालिसिस किया जाता है। तो जॉन्डिस पीलिया, पीलिया तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है बच्चों, इसमें तो वो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बढ़ गए, तो स्किन कॉर्निया नेल नाखून पीले पड़ गए, इसमें क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है। क्लाइनफेल्टर क्रोमोसोमल है, एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया मेल में, फीटस का सेक्स भी पता लगा लेते हैं इसलिए इसको बैन भी कर दिया, डाउन सिंड्रोम की भी पता चल गया 21st क्रोमोसोम, तो जॉन्डिस के बारे में हम एमनियोसेंटेंसिस से नहीं ज्ञात कर सकते, नहीं बता सकते। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान पहला स्थायी प्रोडक्ट कौन, हाँ तो इसमें आ गया अमोनिया, वही अमोनियम आयन के फॉर्म में स्टोर होगा तो अमोनिया आ गया बच्चों सीधा ही। चलो नेक्स्ट, बायोलॉजिस्ट स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ रेट इन ए बार्न, ही फाउंड दैट द एवरेज नेटेलिटी वाज, इकोलॉजी बच्चों नेटेलिटी रेट 250, एवरेज मोर्टेलिटी 240, इमिग्रेशन 20, एमिग्रेशन 30, द नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज, तो ठीक है इसने बता दिया जन्म दर 250 है, डेथ रेट 240 है, इमिग्रेशन आना, एमिग्रेशन उस पॉपुलेशन से जाना, तो बताते ही अपन क्या बताते हो फॉर्मूला अपना नोट बी प्लस क्या
आई, देन डी प्लस ई, आई से तो इमिग्रेशन हो गया, ई से एमिग्रेशन हो गया, तो बी तो बच्चों बर्थ रेट, बर्थ रेट का मतलब नेटिलिटी, नेटिलिटी कितनी 250, इमिग्रेशन 20 और डेथ रेट कितनी, मोर्टेलिटी 240 प्लस एमिग्रेशन 30, कर लो सोल्व, 270 माइनस 20 में 270, ये कितना आ गया, जीरो आ गया, तो पहला आंसर आ जाएगा इसका जीरो, है फॉर्मूला है सीधा सही है, कर लेंगे अपन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई, फिर से इकोलॉजी का बच्चों, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तो जो अपने अलग अलग ट्रॉफिक लेवल बताते हैं ना अपन, सबसे पहले प्रोड्यूसर आ गए, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर जिनको अपन अलग लिखते हैं। तो प्रोडक्टिविटी में बच्चों जो ग्रीन प्लांट है वो सनलाइट की प्रेजेंस में जो ये फूड फोटोसिंथेसिस से जो करते हैं वो ग्रोस प्रोडक्टिविटी, इसमें से अपन किसको हटा दें, जब रेस्पिरेशन को हटा दिया जाएगा उसमें जो लॉस होता है वो हटते ही बच्चों आ गया नेट प्रोड्यूसर प्रोडक्टिविटी। अब यहां से बच्चों प्रोड्यूसर पे डिपेंड कौन, प्राइमरी कंज्यूमर 10% वाला वो अपने को है, तो प्राइमरी कंज्यूमर में भी जो बना उसमें से भी बच्चों उसका जो रेस्पिरेटरी लॉस जब हटा दोगे तो आ जाएगी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी ना मेन, तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसमें रेस्पिरेटरी लॉस जो भी हो गया वो क्या जाएगी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किससे कनेक्टेड है, प्राइमरी कंज्यूमर से, तो कहाँ है कंज्यूमर, ये रहा फोर्थ पे, क्लियर। चलो इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस, एस्केरिस ह्यूमन हेल्थ और डिजीज वाला चैप्टर, यूजुअली अकर्स बाय एस्केरिस का इन्फेक्शन बच्चों मॉस्किटो बाइट से थोड़ी होता है, तो मलेरिया का होता है, एलिफेंटियसिस का होता है, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग ऑफ एस्केरिस इसी से आएगा, ईटिंग इम्परफेक्टली कुक्ड पोर्क इससे, तो वो टीनियसिस था बच्चों, सेमी कुक्ड मीट पोर्क शुअर के मांस से, तो टीनिया टीनियसिस, सीसी फ्लाई से याद कर लो, स्लीपिंग सिकनेस निद्रा रोग, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमा वाला वही, तो इसमें आ जाएगा ड्रिंकिंग वाटर कंटेंस एग ऑफ एस्केरिस, तो जो एस्केरिस का इन्फेक्शन है ना याद रख सकते हो बच्चों, इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो होती है एम्ब्रियोनेटेड एग, भ्रूणयुक्त अंडे, ये वेजिटेबल फ्रूट वाटर के साथ जब अपनी बॉडी इंटेस्टाइन में आ जाएंगे तो अपने में भी इन्फेक्शन कर देंगे, क्लियर है। चलो फिर क्लियर है तो आगे चलो, अगला क्वेश्चन, डायग्राम दिख रहा है देख लो, सर्कुलेटरी वाला है ये, रेस्पिरेशन में भी डबल सर्कुलेशन में बता रखा है इसको, फिगर शो स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, तो इसको आइडेंटिफाई कर लो बच्चों, ये बीच में हार्ट है, ये रहा ये हार्ट है, ये यहाँ लंग्स है, ये बॉडी ऑर्गन है, तो आर्टरी वेन के नाम लिख लो फिर पता ही चल जाएगा, तो हार्ट से ब्लड जा रहा है लंग्स के पास, तो लेके कौन जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी, वापस ला रही है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन में ब्लड कैसा होता है, प्योर, उसमें इम्प्योर ध्यान आपको, हार्ट से बच्चों प्योर ब्लड ये लेके जा रही है एरोटा सिस्टेमिक आर्टरी, वापस आ रही है सी इम्प्योर ब्लड बॉडी ऑर्गन से कलेक्ट कौन करती है बच्चों, वेना केवा, एरोटा हो गया ये वेना केवा में ब्लड इम्प्योर है, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन, तो देख लो डी डी डोर्सल एरोटा, डी जो पल्मोनरी आर्टरी है गलत, ए पल्मोनरी वेन ठीक है, टेक ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट, ये हार्ट से ब्लड बॉडी पार्ट तक लेकर जाएगी, फ्रॉम हार्ट नहीं ये लंग्स से ब्लड लाएगी हार्ट को, ये गलत हो गया बच्चों, बी पल्मोनरी आर्टरी नहीं है सिस्टेमिक आर्टरी और एरोटा है गलत, सी वेना केवा सही, टेक ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू राइट ओरिकल, तो बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड लाके किसे दे देगी राइट ओरिकल दाएं आलिंद को, तो फोर्थ क्लियर करेक्ट हो गया बच्चों, इम्प्योर ब्लड हमेशा राइट साइडेड ऑफ हार्ट में और प्योर ब्लड हमेशा हार्ट के लेफ्ट साइड लेफ्ट चैम्बर में आता है, ये डबल सर्कुलेशन वाला है। चलें अगला क्वेश्चन, अगला मुझे लग रहा है इवोल्यूशन का, द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब्ड बाय, हार्डी विनबर्ग वाला है ये भी बच्चों ध्यान रख लेना, हार्डी विनबर्ग को प्रभावित करने वाले 5 फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, माइग्रेशन,
अपने को ये बच्चों ये आरडी मेंबर को इफेक्ट करने वाले ये कुछ फैक्टर हो गए, और ये तो उसके ये फैक्टर अगर लगेंगे मान लो नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर ये सब है तब तो वहाँ रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये रूल क्या कहता है कि भाई जनरेशन टू जनरेशन जो फ्रिक्वेंसी है एलील फ्रिक्वेंसी है वो कॉन्स्टेंट रहेगी, स्टेबल रहेगी, मतलब इवोल्यूशन नहीं होगा। और दो फैक्टर से याद रख लियो बच्चों, एक तो लार्ज पॉपुलेशन जनसंख्या बड़े आकार की हो, और दूसरा रैंडम मैटिंग यादृच्छिक प्रजनन, रैंडम मैटिंग, ये दो इस रूल को फेवर करती है। वो पांच फैक्टर तो उसके अगेंस्ट है, ये दो इसके फेवर में, तो अगर ये दो है तब रूल एप्लीकेबल होगा, वो पांच में से कोई भी है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये क्या कह रहा है कि द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में भी डिस्टर्ब्ड बाई, कि अनुवंशिक साम्य में रहने की प्रवृत्ति को डिस्टर्ब कौन कर सकता है, भंग कौन कर सकता है। तो साम्य में रहने का मतलब बच्चों रूल एप्लीकेबल हो रहा है, उसे भंग करने का मतलब या तो ये पांच में से कोई फैक्टर होगा या ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि ये तो फेवर के हैं। लैक ऑफ रैंडम मेटिंग पहला ही दिख रहा है, रैंडम मेटिंग का अभाव, अभाव होगा तो ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, क्योंकि रैंडम मेटिंग तो इसको फेवर करता है, यादृच्छिक जनन रैंडम मेटिंग फेवर करेगा, लैक ऑफ माइग्रेशन करेगा, लैक ऑफ म्यूटेशन भी करेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर आएगा फर्स्ट। आप तो ध्यान रख लेना, पांच फैक्टर तो एनसीईआरटी में दे रखे हैं बच्चों, दे रखे हैं पांचों फैक्टर, वो तो ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, ड्रिफ्ट, माइग्रेशन, रिकॉम्बिनेशन, ये पांचों तो दे रखे हैं जो चेंजेस लाते हैं, चेंजेस का मतलब इवोल्यूशन, वहां इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ये दो फैक्टर लार्ज पॉपुलेशन और रैंडम मैटिंग ये रूल के फेवर में, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के फेवर में है। क्लियर है? नेक्स्ट फिर डायग्राम का क्वेश्चन है, इस साल डायग्राम के कुछ क्वेश्चन आए थे बच्चों, सारे डायग्राम एनसीईआरटी बेस्ड ही थे, फिर दो तीन लास्ट के दो तीन साल में नीट में डायग्रामेटिक क्वेश्चन नहीं आया, एम्स में जरूर आते हैं, इस बार एम्स नीट मर्ज है, एक साथ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो बोर्ड पे, डायग्राम दिख रहा है आपको, नर्वस सिस्टम वाला है ये, साइनेप्स वाला, एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में इंपल्स ट्रांसफर कंडक्ट कर रहे हैं अपन। तो सी तो इसमें देख लो, मैं सीधा लिख देता हूं, सिनेप्टिक वेसाइकल है, बी वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ए बच्चों रिसेप्टर है जो रिसीव करेंगे, और डी बीच में जो रिलीज हुआ वो न्यूरो ट्रांसमीटर है, केमिकल न्यूरो ट्रांसमीटर, वो डायग्राम ही एनसीईआरटी का। तो सी न्यूरो ट्रांसमीटर गलत, ए रिसेप्टर ठीक है, सी सिनेप्टिक वेसाइकल दूसरा आ गया, बस हो गया मैच, चलो हो गया, तो देर किस बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ज्यादातर इस चैप्टर 10th चैप्टर के क्वेश्चन मैच द कॉलम के पूछ रहे हैं बच्चों हर साल, ये सीधा ही दे दिया, गुड प्रोड्यूसर सिट्रिक एसिड किससे, एस्परजिलस नाइगर, सीधा आ गया सेकंड, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। हाँ, अगला, एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाई, किसी पेड़ की वृक्ष की आयु ज्ञात करना, डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं बच्चों, और उसको किससे, एनुअल रिंग, नंबर ऑफ एनुअल रिंग से, वार्षिक वलय की संख्या से, जोटमन स्प्रिंग वुड में बनती उन नंबर से कैलकुलेट कर लेते हैं किसी पेड़ की आयु, उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी बोलते हैं ना अपन। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाई विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवोल्व, फिर इवोल्यूशन आ गया बच्चों, होमोलोगस एनालोगस बार बार पूछे इस साल, द प्रोसेस बाई विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यही हो गया, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अलग अलग है, किन्हीं ऑर्गेनिज्म की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री वो अलग अलग है, मान लो ए और बी है, दोनों का ओरिजिन अलग अलग हो रहा है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री दोनों की अलग अलग है, तो ओरिजिन ही देखना, ओरिजिन सेम हो तो होमोलोगस कर दो बच्चों, ओरिजिन डिफर हो तो एनालोगस, यहाँ डिफर है एनालोगस, एनालोगस का मीन कौन सा, कन्वर्जेंट, आला ये रहा थर्ड पे रहा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट फिर से एक डायग्राम देखियो, ये स्टेज इन सेल डिवीजन इज शोन इन द फिगर, सेलेक्ट द आंसर विच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, तो सेल डिवीजन की एक डायग्राम बता रखा है ये डिवाइडेशन के टाइम का बच्चों, तो इसमें देख लो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, कहाँ क्या दिख रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप, हाँ ये रीफॉर्म होते हुए बच्चों दिख रहा है, तो ये वाली रिफॉर्म होता है टीलोफेज में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस नॉट रिफॉर्म येट, ये तो गलत हो गया, वो तो हो जाते हैं ना, टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म, रिफॉर्म है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म, तो वापस बनना स्टार्ट, बन जाते हैं बच्चों ये टीलोफेज, टीलोफेज का आ गया सेकेंड।
अगला क्वेश्चन फिर से एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है बच्चों, ये अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है लंग्स वाला। तो बस डायग्राम के कई क्वेश्चन इसमें, बस इन ABCD को मैच कर लो और आपको करेक्ट आइडेंटिफिकेशन देखना है। देख लो डी लोअर एंड ऑफ लंग्स, डी बच्चों डायफ्राम है ये, है ना। सी एल्वियोलाई है, ए ट्रेकिया के रिंग्स मान लो ब्रोंकस, और ये आ गया तो लोअर एंड ऑफ लंग्स, ए ट्रेकिया लॉन्ग ट्यूब, ए ट्रेकिया सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। कंप्लीट थोड़ी होते हैं बच्चों, अपने में कार्टिलेज के रिंग इनकम्प्लीट होते हैं, अपूर्ण होते हैं, ये गलत हो गया कंप्लीट की वजह से। बी प्लूरल मेम्ब्रेन, बी प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंडिंग रिब्स ऑन बोथ साइड टू प्रोवाइड कुशन अगेंस्ट रबिंग, ये रिब्स को थोड़ी कवर करती है, ये तो फेफड़ों की कवरिंग होती है, तो गलत हो गया। फोर्थ क्या है, सी एल्वियोलाई, बिल्कुल सी एल्वियोलाई है, थिन वॉल्ड वेस्कुलर बेग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ एल्वियोलाई तो प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज होता है, यहीं से तो बच्चों गैसेस का मेनली क्या होगा विनिमय, वेस्कुलर है क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स होती है। तो आंसर गया फोर्थ। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर आप लोगों के सामने, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम द सेल्स ऑफ, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम स्टेम में, वही कैसे बच्चों, तो कैम्बियम अपन इसमें डिस्कस भी करते हैं ना वेस्कुलर बंडल के रेफरेंस में, तो ये तो हो गया अंदर जो होता है बंडल का वो तो इंट्रा, ये तो इंट्रा हो गया। इंटरफेसिकुलर इनके बाहर, ये जो गेप वाली मेडुलरी रेज बच्चों होती है ये जब फ्यूज हो जाए, ये वाली इनके फ्यूजन से ये बन जाएगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और अंदर वाला इंट्राफेसिकुलर। तो इंटर को ये फॉर्म करने वाली बीच की सेल कौन सी, मेडुलरी रेस, मेडुलरी रेस से फॉर्म होता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज बाई, बीज अंकुरण के दौरान इसका जो संचित भोजन है उसे यूटिलाइज कौन करेगा, गतिशील मतलब काम में लेने के लिए कौन सा हार्मोन, जिब्रेलिन, ये तो होता है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन इसको यूज करेगा सीधा ही। हार्मोन से रिलेटेड प्लांट हार्मोन के भी बच्चों क्वेश्चन बने हुए हैं। अगला एक और, मियोसिस टेक्स प्लेस इन कौन सी सेल में, जिन सेल में मियोसिस होता है, हाँ कंफ्यूज नहीं होना, उन सेल को अपन मियोसाइट बोलते हैं, मियो मियोसिस साइट सेल, जिन सेल में मियोसिस होगा मियोसाइट, तो मियोसाइट खुद डिप्लोइड होती है, इनमें जब मियोसिस होगा तो बनने वाली सेल बच्चों कैसी होगी, हैप्लोइड होगी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डजंट पर्टेन टू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, इसमें कौन सा क्राइटेरिया फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के फेवर में नहीं है या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से नहीं होगा। तो पहले तो ये समझ लो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता क्या है, सुसाध्य परिवहन बच्चों। फैसिलिटेटेड में जो आयंस का वगैरह एक्सचेंज जो होता ना वो, हाँ किससे, कैरियर प्रोटीन के थ्रू, वाया कैरियर प्रोटीन, तो एक्सचेंज में कैरियर प्रोटीन हेल्पफुल होता है, मेम्ब्रेन के थ्रू जो एक्सचेंज होगा वो कैरियर प्रोटीन से होगा, कैरियर प्रोटीन से होता है, तो वहां बच्चों ATP या एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो एक तरह से पैसिव ही होता है डिफ्यूजन, पैसिव का मतलब जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड ना हो, हाई टू लो, और यहां फैसिलिटेटेड है तो विद हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, वाहक प्रोटीन की सहायता से। तो अपहिल ट्रांसपोर्ट, ऊर्ध्व अभिगमन ऊपर की ओर, ऊपर जाएगा ग्रेविटेशन के अगेंस्ट, तो आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी, एनर्जी देगा तो वो एक्टिव होगा और फैसिलिटेटेड पैसिव होता, तो पहला ही हो गया ना, फैसिलिटेटेड को सपोर्ट नहीं करता। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन चाहिए इसको, हाईली सिलेक्टिव होता है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन भी रहेगा, तो इसमें फर्स्ट आ गया अपहिल, जो एक्टिव है जिसमें क्या कंज्यूम हुई, एनर्जी। ए मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड सिंथेसिस का मेजर साइट, RER की SER, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी आया हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक तो प्रोटीन से कनेक्ट करना है सीधा ही बच्चों। चलो नेचुरल रिजर्वॉयर ऑफ फॉस्फोरस इज, फॉस्फोरस का प्राकृतिक भंडार जनरली कहां, चट्टानों में, रॉक में, मेनली फॉस्फोरस का नेचुरल रिजर्वॉयर प्राकृतिक भंडार होता है, ठीक। शैल अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट्स इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, ये बच्चों दोबारा आया हुआ क्वेश्चन है, फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का जब मेटाबोलाइज होगा तो कौन सा प्रोडक्ट कॉमन रहेगा, जैसे वही ग्लूकोज वाला तो बोलते हैं अपन, पाइरुविक एसिड बना,
पाइरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एसिटाइल कोएंजाइम ए बच्चों जो होता है वो फिर क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करता है। तो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, उनमें एसिटाइल कोएंजाइम ए तो एक ऐसा मीडिएटर है जो सब में बनेगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन होते हैं दो, वही फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या स्टार्ट करता है, क्रेब्स साइकिल। तो एक मीडिएटर है, मध्यवर्ती है दो कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम ए, सब में फॉर्म होगा, इंटरमीडिएट होता है सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, Which one of the following process during decomposition is correctly described? अपघटन के दौरान घटित होने वाली क्रियाओं में सही किसको, सही विवरण किसका दिया गया है, करेक्टली डिस्क्राइब। पहला लीचिंग, लीचिंग बोले तो निक्षालन, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट राइज टू द टॉप लेयर ऑफ सोइल, सोइल के टॉप लेयर में बच्चों न्यूट्रिएंट जल में घुलनशील है, कार्बनिक पोषक मृदा की ऊपरी परतों पर आ जाते हैं, ऊपरी नहीं ये टॉप टू डी बॉटम में जाते हैं ना, लेवल बढ़ाते हैं, तो गलत हो गया। फ्रेगमेंटेशन, खंडन कैरिड आउट बाई ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म, केंचुआ, केंचुए के बारे में बच्चों अपन पढ़ते भी है, डेट्रिटस फीडर होता है, अपरद भक्षी होता है, ये प्लांट की लीव्स को फ्रेगमेंट करके ये सोइल ऑर्गेनिक मटेरियल को खाता ना, इसको अपन बोलते हैं डेट्रिटस फीडर, अपरद भक्षी फ्रेगमेंट फॉर्म में। ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू टेक एक्यूमुलेशन ऑफ ए डार्क कलर्ड सबस्टेंस ह्यूमस, विच अंडरगोज माइक्रोबियल एक्शन एट ए वेरी फास्ट रेट, फास्ट रेट पे थोड़ी होगा, स्लो रेट पे होगा ह्यूमिफिकेशन। कैटाबोलिज्म लास्ट स्टेप इन द डिकम्पोजिशन अंडर, लास्ट स्टेप थोड़ी कैटाबोलिज्म स्टार्ट में ही, और डिकम्पोजिशन अंडर फुल्ली एनोरोबिक, ये भी गड़बड़ हो गया, तो इसमें आंसर अपना गया सेकेंड, क्लियर है। नेक्स्ट पे आओ, जेनेटिक्स का, इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर थैलेसेमिया विच इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्ट इन अफेक्टेड चाइल्ड, बच्चों थैलेसेमिया या यू रख लो जितने भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ऑटोसोमल पहली बात उसमें एक्स वाई यूज नहीं करेंगे अपन, वो तो एलोसोमल में हो गए, हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस की जीन एक्स पर होती है ना, ये थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, पीकेयू, इन सब में अपन एबीसीडी कुछ भी लिख लो, अब दोनों कैरियर है ना बच्चों, ये आ गया, ये तीन कंडीशन आती है, ये तो अफेक्टेड हो गया जिसमें डिजीज हो, रिसेसिव है, ये कैरियर आ गया और ये नॉर्मल आ गया, तो ये कह रहा है दोनों पेरेंट ही कैरियर है, ये लो गैमेट आपको बनाने आते हैं, ये बन गए इसके क्रॉस से, ये लो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, और स्मॉल ए स्मॉल ए, इसमें डिजीज होगी, ये कैरियर हो गया, ये नॉर्मल आ गया, तो अफेक्टेड कितने परसेंट आए बच्चों, 25%, फोर्थ आ गया 5%, क्लियर है। चलो क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, फिर से जेनेटिक्स का क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, गलत पूछ रहा है, ऑफ टू जीन दैट शो 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, दो जीन जो 50% पुनर्योजन दर्शाते हैं उनके बारे में क्या सही नहीं है। अब बच्चों रिकॉम्बिनेशन का ध्यान है ना आपको, लिंकेज का मतलब तो साथ साथ रहना, और अगर जीन अलग अलग जा रहे हैं वो रिकॉम्बिनेशन कहलाता है जिससे वेरिएशन आती है, क्रॉसिंग ओवर, और रिकॉम्बिनेशन कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होता। If the gene are present on the same chromosome, they undergo more than one crossover in every meiosis. ठीक है, crossing over एक से ज़्यादा, अपन पढ़ते ना simple, double और वो multiple जो होता है, सही बात है। The gene may be on different chromosome हो सकता है। The gene are tightly linked, गलत पूछ रहा ना बच्चों। अगर gene tightly linked होंगे, घनिष्ठ रूप से संलग्न होंगे, तब 50% recombination नहीं होगा, तब recombination कम होगा, linkage की frequency ज़्यादा। ठीक, गलत आ गया ना third। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो दर्शाएंगी, क्योंकि जब 100% लिंकेज होता है तब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता, स्वतंत्र अपयुन का ही एक्सेप्शन क्या है, लिंकेज, क्लियर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन 50, वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, ये बच्चों एक डाउटफुल सा क्वेश्चन था कि बर्थ कंट्रोल की कोई लीगल मेथड है, वो बता रहे हैं इसमें, पूछा है बाय प्री मैच्योर एजुकेशन ड्यूरिंग कोइटस, कोइटस संभोग के दौरान, प्री मैच्योर एजुकेशन काल पूर्व स्खलन करना, टाइम से पहले एजुकुलेट करना, ये तो बच्चों एक डिजीज डिसऑर्डर होता है। एबोर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन, उपयुक्त औषधि द्वारा एबोर्शन गर्भपात करना, तो बच्चों जो एमटीपी होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वो आपने बता रखा है कि भाई
12 वीक होता ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक उसको सेफ माना गया है, उसके बाद में वो सेफ नहीं होता। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक अगर एमटीपी करवाया जाए जिसमें वो मेफीप्रिस्टोन या प्रोस्टाग्लेडिन ये कुछ मेडिसिन यूज करते हैं, इनके थ्रू जब एमटीपी करवाया जाए तो वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक 12 वीक तक उसको लीगल बोला जा सकता है। बाई एब्सेंडिंग फ्रॉम कोइटस 10-17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्थव चक्र के 10-17 दिन जिनको रिस्क पीरियड बोलते हैं, उस दौरान बच्चों अगर कोइटस से बचा जाए तब भी प्रेगनेंसी के चांस कम होते हैं। तो ये दोनों ही लीगल मेथड में इंक्लूड कर दिया जाता है बाई हैविंग कोइटस एट द टाइम ऑफ डे, डे या नाइट का तो उसमें फर्क नहीं है। एक्शन एबोर्शन बाई टेकिंग एन अप्रोप्रिएट मेडिसिन, उपयुक्त औषधि द्वारा गर्भपात करवाना, लेकिन वो एमटीपी लीगल रहेगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। उसके बाद वो 1971 में भारत में इसको बच्चों लीगलाइज कर दिया था ना, तो इसमें दोनों ही बच्चों, कुछ में सेकंड भी था और कुछ में थर्ड भी बताया था, दोनों इसके आंसर दे रखे थे, लीगल मेथड में इंक्लूड कर रखा था। बाकी मेथड तो जनरली ये अप्रोप्रिएट मेडिसिन वाली है, ये तो बच्चों नेचुरल मेथड है 10-17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें प्रेगनेंसी के चांसेस, फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, इसको हम रिस्क पीरियड बोलते हैं 10-17 डेज वाला। Besides pedifield, cyanobacteria are also found inside vegetative part of, तो pedifield धान की फसलों में पानी में डूबे रहते हैं बच्चों, तो यहाँ वो cyanobacteria जिसमें हाँ साइकस आ गया ना, साइकस वही है ना, बिना एजरोबैक्टर वही वाले बैक्टीरिया साइकस, तो साइकस रूट नोड्यूल से में इसी से वो दे देते हैं, थर्ड आ गया। तो Which of the following are correctly matched with respect to their taxonomic classification? Correctly matched पूछा है phylum taxonomy का question बच्चों, spiny anteater mammals है, spiny anteater, sea urchin echinodermata है, sea cucumber echinodermata है, तो spiny anteater echinodermata नहीं है तो mammals है, गलत हो गया। Flying fish, cuttlefish, silverfish species है, गलत, अभी पीछे आया था silverfish तो arthropoda थी। सेंटीपिड मिलीपिड स्पाइडर स्कॉर्पियोन, ये इंसेक्ट नहीं होते बच्चों, आर्थ्रोपोड तो है लेकिन इंसेक्ट नहीं है। स्कॉर्पियोन में टांगे 8 होती है बिच्छू में, वो एरेक्निडा है, इंसेक्ट नहीं, इंसेक्ट वही होंगे जिसमें टांगे 3 पेड़ होगी, 6 होगी। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई, सिल्वर फिक्स, ये सारे क्या है, इंसेक्ट है, तो इसमें 4th आ जाएगा। फटाफट अगला क्वेश्चन, वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाय चांस रदर देन बाय नेचुरल सिलेक्शन, फिर से हार्डी विनबर्ग से कनेक्टेड, वो जो 5 फैक्टर उसके अगेंस्ट थे बच्चों, नेचुरल सिलेक्शन, माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, वो सारे। तो ये पूछ रहा है, ये आपको एनसीईआरटी में लाइन मिल जाएगी कि वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी विद इन पॉपुलेशन, एक समष्टि के अंदर जीन आवृत्तियों में भिन्नता संयोग से होती है, देख लो बच्चों, बाय चांस अगर लिखा हुआ मिले संयोगवश होती है बजाय नेचुरल सिलेक्शन के, तो वहां आंसर हो जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये बाय चांस आपको लिखा मिलेगा संयोगवश तो जेनेटिक ड्रिफ्ट। जैसे एडेप्टिव रेडिएशन में बच्चों आपको ये मिलेगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, किसी बिंदु से प्रारंभ होकर अलग अलग भूभाग में फैलना, जियोग्राफिकल एरिया में फैलना, एडेप्टिव रेडिएशन में स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, यहां ऐसे लिखा मिलेगा बाय चांस, तो वो जेनेटिक ड्रिफ्ट, संयोगवश जेनेटिक ड्रिफ्ट होएगा। ये भी हार्डी विनबर्ग वाले में है बच्चों, इवोल्यूशन में। हाँ, ये डाइजेशन का आ गया, सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट इन ह्यूमन गिवन कोलन फर्स्ट सेकंड से, तो कोलेस्ट्रॉल और माल्टोज लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, गलत, मेन एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया ना। ग्लाइसिन और ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिव एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल बच्चों, एमिनो एसिड और ग्लूकोज का एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है, फैसिलिटेटेड भी होता है, अगर ऑप्शन में तीनों हो तो मोर प्रॉपर आप एक्टिव एब्जॉर्प्शन में यूज टिक करोगे। फ्रक्टोज और सोडियम पैसिव नहीं होता ना, सोडियम कैटायन हमेशा एक्टिवली होंगे, नॉट पैसिवली। ग्लिसरॉल फैटी एसिड ड्यूडिनम, गलत हो गया, तो इसमें आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट बोर्ड पर आपके सामने, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन का चुनाव करो। क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगेमी एंड एनाइसोगेमी एंड फ्यूकशो ऊगेमी, सही है, तो क्लेमाइडोमोनास में दोनों आइसो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, डिफर है तो एनाइसोगेमी। आइसोगेमिट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड बिहेवियर, सही है बच्चों, एनाइसोगेमिट्स क्या होते हैं, वो स्ट्रक्चर फंक्शन में डिफर होते हैं, बिल्कुल, असम युग्मन विषम युग्मन। इन ओमाइसिटीज फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल,
उल्टा दे दिया, एंड वेल मेल गैमिट्स इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल, तो फीमेल जो गैमिट है वो तो नॉन मोटाइल होता है, मेल गैमिट मोटाइल होता है, तो आंसर फोर्थ। जैसे ह्यूमन में भी बच्चों बताते हैं ना, ओवम नॉन मोटाइल है, अगतिशील है, अचल है, जबकि स्पर्म मोटाइल, गतिशील होता है, उसमें पूंछ होती है, फ्लैजिला होता है, तो इनकरेक्ट फोर्थ हो गया। नेक्स्ट, Which Mendelian idea is depicted by crows in which the F1 generation resemble both the parents? कि दो पेरेंट ए और बी, तो जो एफ वन जनरेशन आई बच्चों, ये एफ वन जनरेशन दोनों पेरेंट से मैच करती है, दोनों पेरेंट के जैसी है, दोनों पेरेंट से रिजेंबल होती है, तो दोनों के जैसे करेक्टर आना, पीछे भी अभी आ गया था क्वेश्चन, को डोमिनेंस, ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी आना को डोमिनेंस, कोई एक डोमिनेंट करेक्टर आना तो डोमिनेंस, तो फर्स्ट ही हो जाएगा। और इंटरमीडिएट करेक्टर आना, जैसे रेड और व्हाइट फ्लोवर में से पिंक आ गया बीच का, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मिराबिलिस जलापा, स्नैप ड्रैगन, वही, तो ये कोडोमिनेंस हो गया बच्चों फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, ये भी आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है, दिख गया ईसीजी वाला, तो देख लो बच्चों ईसीजी वाले में क्या है। PQRST, P wave पूछा है, P wave क्या रिप्रेजेंट करेगा, P auricular systole, QRS ventricular systole, T ventricular diastole, इसको अपन auricular systole के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, depolarization, ventricular systole भी depolarization, और diastole को repolarization, तो contraction of both atria, दोनों आलिंदों में संकुचन, P wave, और ventricular systole बच्चों QRS। चलियो अगला क्वेश्चन, Which enzyme will be produced in a cell in which there is a nonsense mutation in the LACY gene? अच्छा क्वेश्चन है, LACY gene में nonsense mutation बच्चों, मोलबायो का याद करियो, मोलबायो में अपन लेकोपेरोन में स्ट्रक्चरल जीन तीन बताते हैं, ZYA, Z में कौन सा, Z से एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से बच्चों परमीएज, और A से ट्रांस एसिटाइलेज, ये तो है। अब कह रहा कि वाई जीन में नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाए, नॉनसेंस का मतलब बच्चों पहले समझ लो, म्यूटेशन तीन बताते हैं, सेम सेंस, नॉनसेंस और मिस सेंस। नॉनसेंस का मीन हो गया, नॉनसेंस कोडोन अपने पास तीन है, UAA, UAZ, UZA, इनको बोलते हैं स्टॉप कोडोन, नॉनसेंस कोडोन। तो अगर बच्चों म्यूटेशन के बाद, जैसे मान लो मैंने यहां लिखा UAC, इन तीन के अलावा बाकी सारे सेंस कोडोन है, फंक्शनल है, यूएससी में म्यूटेशन हुआ और वो कन्वर्ट हो गया यूएए या यूएजी में, तो नॉर्मल कोडोन जब नॉनसेंस कोडोन में बदल जाए, स्टॉप कोडोन में बदल जाए, तो ऐसा म्यूटेशन कहलाता है नॉनसेंस म्यूटेशन। और बात सीधी सी है बच्चों, इनमें से अगर कोई भी कोड आ गया तो अपना क्या, इनमें से कोई भी कोड आ जाए तो वही चेन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, तो चेन टर्मिनेट हो गई, तो इसमें कहां ले लिया अपन ने। अब देख लो बच्चों वाई का बता रहा ना, तो वाई में जब नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ, तो पढ़ लो फिर से, इन ए सेल इन विच देर इज नॉनसेंस म्यूटेशन इन द लैक वाई जीन, तो वाई जीन में अगर नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ तो अब इफेक्ट क्या पड़ेगा इस पर, बच्चों बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो बन रहा ना, ये तो बनेगा, लेकिन जब यहां वाई में हुआ तो जहां भी नॉनसेंस कोडोन आ जाए उसके आगे कहीं भी चेन अपनी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट, मतलब इसके बनते ही चेन को क्या कर दो, रोक दो, स्टॉप कर दो, तो इसमें क्या वाई जीन में आ रहा है, तो लैक्टोज परमीएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज, ये बनेगा कि नहीं, देख लो वाई में आ रहा तो केवल कौन बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज नहीं बनेंगे, तो यहां क्या आंसर दे दो आप, सेकंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब सुनो, इसको मान लो ऐसे पूछ लेता, कैसे कि आपसे कहते था कि भाई जेड जीन में नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया, किसमें, जेड में, जेड में हो जाता तो आपकी चेन यहीं से टर्मिनेट हो जाती, बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी सिंथेसाइज नहीं होता। और ऐसे पूछ ले कि नहीं भाई ए में नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ, देन बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमीएज तो बनता, बट ट्रांस एसिटाइलेज सिंथेसाइज नहीं होता, तो सिंपल सी बात है, जहां नॉनसेंस म्यूटेशन हो वहीं चेन को क्या कर दो, टर्मिनेट। क्लियर है बच्चों, चले नेक्स्ट, द मोस्ट एबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन,
ये सीधा सही है। अगर सेल के अंदर है ना वो तो इंट्रा सेलुलर फ्लूड हो गया, और बाहर है तो एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया। तो याद रख लो बच्चों, एक्स्ट्रा सेलुलर में तो ज़्यादा होता है सोडियम, ये हम न्यूरोवर सिस्टम में भी बताते ही हैं, ICF सेल बायो में भी आ जाता है, ICF में पोटेशियम की कंसंट्रेशन मोर देन सोडियम, तो इंट्रा सेलुलर में पूछा तो पोटेशियम आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का कार्य नहीं है, नॉट द फंक्शन, क्या नहीं है? सिक्रीट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्टोसिस, पहला ही हो गया, ऑक्सीटोसिन प्लेसेंटा थोड़ी रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन तो रिलीज करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बनेगा हाइपोथैलेमस में, बिल्कुल सीधा ही फर्स्ट हो गया, फैसिलेट सप्लाई टू ऑक्सीजन ठीक है, सिक्रीट एस्ट्रोजन भी ठीक है, रिमूवल ऑफ CO2 ठीक है, पहला ही गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम द एंटायर कलेक्शन हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील फॉर ए जीन, इसी को तो डेफिनेशन ही आ गई, क्या बोलते हैं? जम प्लाज्म कलेक्शन, जनन द्रव्य बच्चों जो संग्रहण है उसी के लिए वर्ड आ गया, द एंटायर कलेक्शन हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील फॉर ए ऑल जीन इन ए गिवन, तो उसके सारे डाइवर्स एलील एक साथ बच्चों कलेक्ट करना, जम प्लाज्म कलेक्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? की इज ए टैक्सोनॉमिक एड है बच्चों, एसिड नहीं, की इज टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंट ठीक है, कुंजी नमूनों को पहचानने के लिए एक वर्गी की सहायता साधन है, टैक्सोनॉमी की अपन बोलते ही है, हर्बेरियम हाउस ड्राइड प्रेजिडेंट प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन, उन्हीं को हर्बेरियम शीट बोलते हैं बच्चों, बोटेनिकल गार्डन से कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट ऑफ रेफरेंस ठीक है, ए म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, फोटोग्राफ यूज करते हैं कि ओरिजिनल डेड फॉर्म में भी उनको यूज किया जा सकता है, तो इसमें नोट करेक्ट पूछा है तो आंसर गया फोर्थ। अगला क्वेश्चन, डायग्राम देख लो फिर से, इस नीट में बच्चों कई डायग्रामेटिक क्वेश्चन आए थे, आए सारे एनसीईआरटी के थे, क्या दिख रही है? ER दिख रही है, ER में भी बच्चों ढंग से थोड़ा सा इसको देखोगे ना तो ER में से, हाँ ये माइन्यूट राइबोसोम लगे हुए हैं, तो राइबोसोम वाली ER है तो कौन सी हो गई? RER हो गई, RER है तो प्रोटीन सिंथेसिस, पहला ही बता दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है, नहीं है तो फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज अमंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, ये फिर इकोलॉजी का क्वेश्चन बच्चों, उसमें आपके बता ही रखा ना पाई डायग्राम देखे ऐसे ऐसे, वो प्लांट एनिमल वाला भी पूछ रखा था, इंसेक्ट इंसेक्ट के बाद बच्चों क्रस्टेशिया मोलस्का वाला, और यहाँ भी सबसे ज़्यादा बात आए तो फंजाई, फंजाई के बाद एंजियोस्पर्म, वही फंजाई इंसेक्ट दोनों हो तो प्रायोरिटी पे आप इंसेक्ट रखोगे, यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो अपना आंसर फंजाई, देन एंजियोस्पर्म, फिर एल्गी, वही सिक्वेंस मिल जाएगा। Which of the following BT crop biotechnology is being grown in India by the farmer? कौन सी उगा रहे हैं? BT cotton. BT cotton में Bacillus thuringiensis bacteria की CRY gene को insert किया बच्चों, जो insecticidal होती है, कीटनाशी होती है. Clear? चलो. Next बच्चों question. द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर, एंजाइम वाले चैप्टर से कोएंजाइम का एसेंशियल कंपोनेंट, हाँ विटामिन्स में बच्चों आते हैं ना, जैसे कुछ एग्जांपल लेके भी देख लेते हैं अपन, राइबोफ्लेविन नाम सुना है, कौन सा विटामिन है? B2 B1 थियामिन होता है, वो TPP थियामिन पायरोफोस्फेट का मान सकते हो आप, राइबोफ्लेविन अपन यूज कर सकते हैं, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इन सब का जो ये कंपोनेंट है कोएंजाइम का वो राइबोफ्लेविन, जो विटामिन बाय B2 B1 थियामिन होता है, जिसको अपन TPP थियामिन पायरोफोस्फेट लिंक रिएक्शन में जो काम आता है। क्लियर? तो विटामिन आ जाएगा फर्स्ट आंसर एंजाइम का। फिर से डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम, आईज वाला है, एनसीईआरटी का ही है, पता ही चल गया आपको, तो देख लो इसमें लेबलिंग पूछी है करेक्ट, सी तो एक्वस ह्यूमर है, बी ब्लाइंड स्पॉट है, ए सबसे अंदर वाली लेयर रेटिना है, डी बाहर वाली स्क्लेरा है, देख लेना, तो डी कोरोइड गलत हो गया, ए रेटिना ठीक है, कंटेन्स फोटो रिसेप्टर रोड एंड कॉन्स, तो रेटिना में बच्चों रोड सेल भी होती है और कॉन सेल भी होती है, जो करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे,
फोटोसिंथेसिस से कनेक्ट कर लो, द थ्री बॉक्स इन दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द थ्री मेजर बायोसिंथेसिस पाथवे इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, देख लो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बता रहा है। ग्लूकोज, वही अपन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज से स्टार्ट किया, पाथवे ए ये तो ग्लाइकोलाइसिस हो गया, देन बच्चों पाथवे बी क्रैब्स साइकिल हो गया, ये ईटीएस हो गया। अब इसके रेफरेंस में पूछा है, क्या पूछ रहा है आपसे, अच्छा क्वेश्चन है, एरो नंबर 4 8 एंड 12 कैन ऑल बी 4th 8th और 12, ये क्या हो सकते हैं। सीधी सी बात है, जब फूड को ऑक्सीडाइज करते हो बच्चों, रेस्पिरेशन का मीनिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से क्या बनाना, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। तो ग्लूकोज वाले पाथवे में ये देख लो जो प्रोडक्ट बना पाइरुविक एसिड वो सी में एंटर कर गया, ये फोर ग्लूकोज प्रोडक्शन में ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी बने। पाथवे बी इसमें देख लो बच्चों एट नंबर पे एटीपी निकला और वो जो एनएडी एफएडी होते हैं वो आगे ईटीएस में एंटर कर गए। ग्लाइकोलाइसिस से जो ईटीएस वो एनएडी आए थे वो भी डायरेक्ट किस में चले गए, ईटीएस में। ईटीएस एनएडी और एफएडी के थ्रू बच्चों फिर से क्या बना देगा, एटीपी। तो इसमें ये जो फोर्थ नंबर पे एट्थ नंबर पे क्रेब्स साइकिल से और ईटीएस से ट्वेल्व नंबर पे ये सारे क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में पिगमेंट कंटेनिंग कौन से, क्रोमेटोफोर अपन वैसे भी बताते हैं। ये जो बच्चों कलर चेंजिंग वाली प्रोसेस है मेटाक्रोसिस, उसमें भी जो डिफर कलर के पिगमेंट है वो क्रोमेटोफोर, साइनोबैक्टीरिया के रेफरेंस में भी। ये एक बार पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, अपन ने सोल्व कर रखा है इसको। Which of one of the following statement is correct? सही पूछ रहा है आपसे, टेपिटम नरिश द डेवलपिंग पोलन। ठीक है, टेपिटम तो नरिशमेंट ही देती है, पोषण ही प्रदान करती है। और हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड इंटाइन, इंटाइन की एक्साइन, आउटर है तो एक्साइन, इनर है तो इंटाइन, गलत हो गया बच्चों। स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लोइड, करेक्ट है, हैप्लोइड ही होता है, सॉरी स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा तो पहला ही हो गया ना, टेपिटम नरिश द डेवलपिंग पोलन, फर्स्ट ही करेक्ट हो गया, सेकंड तो इनकरेक्ट है ना, एक्साइन आएगा, स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लोइड, हैप्लोइड नहीं होता, ये तो डिप्लोइड होता है, स्पोरोफाइटिक्स है। एंडोथीशियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर, ये सही, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो इसमें फर्स्ट बच्चों करेक्ट है, टेपिटम नरिश द डेवलपिंग पोलन, वो डेवलपिंग पोलन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, पोषण देगा। 72 क्या आ गया, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल ऑफ ए साइनोवियल जॉइंट, ये बच्चों लोकोमोशन मूवमेंट का है। देख लो साइनोवियल जॉइंट में लिम्फ फिल्ड बिटवीन टू बोन्स, लिमिटेड मूवमेंट, साइनोवियल में तो प्रॉपर मूवमेंट होती है, गलत। फ्लूइड कार्टिलेज बिटवीन टू बोन्स, कार्टिलेजिनस हो गया। फ्लूइड फिल्ड बिटवीन टू जॉइंट प्रोवाइड क्वेश्चन, स्कल बोन, स्कल में तो फाइब्रस। फ्लूड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, जिसको पाइवट बोलते हैं, एंड पाइवट या दुराग्र इज एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल। क्लियर, अगला क्वेश्चन, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट केम इनटू इकोलॉजी की एनसीईआरटी की लाइन 1981, अगर वाटर पोल्यूशन के रेफरेंस में आता 1974, एयर का पूछा तो 1981। क्लियर, अगला क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट से बच्चों, लार्ज बायोमास, लॉन्गर वाइबिलिटी ऑफ सीड, प्रोलॉन्ग डोरमेसी, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। सिंपल सी बात है, हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन ए सेक्सुअल, बिकॉज सेक्सुअल में बच्चों जो क्रॉसिंग ऑफ रिकॉम्बिनेशन होता है, इससे प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग में क्या आती है, वेरिएशन, विभिन्नताएं आती है। तो सीधा ही वेरिएशन वाला आ गया फोर्थ। अगला, हाँ, ए प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर ए बेबी हु सफर फ्रॉम स्टंट ग्रोथ मेंटल रिटार्ड लो आईक्यू एंड एबनॉर्मल स्किन, देख लियो एनजीआरटी में एंडोक्राइन सिस्टम में, वो थायरोक्सिन आयोडीन की डेफिशिएंसी से बच्चे, बच्चों जो बच्चे होंगे छोटे फीटस होंगे वो मेंटली रिटार्ड, आईक्यू कम होगा, एबनॉर्मल स्किन होगी, मेंटली रिटार्ड के साथ स्टंट ग्रोथ, हाइट भी कम होगी। इस डिजीज के लिए एक नाम दे रखा है क्रेटिनिज्म। तो ओवर सिक्रेशन ऑफ पास डिस्टल इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, तो अगर आयोडीन कम हुआ
तो थायरोक्सिन सिंथेसाइज नहीं होगा। ये देखो कैंसर ऑफ थायरॉइड ग्लैंड बच्चों, अब किसी भी ग्लैंड में कैंसर हुआ ना तो हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होगा, हाइपर होगा, जबकि ये क्रेटिनिज्म तो हाइपो से होता है, थायरोक्सिन की कमी से। सेकंड कर दो, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेज्ड, नॉट ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम, ये बायोटेक में दे रखा है। फंजाई के लिए काइटिनेज यूज ही करते हो, बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम आता है, प्लांट सेल के लिए सेलुलेज, एल्गी के लिए मिथाइलेज यूज नहीं किया जाता, तो नॉट करेक्ट है। तो बच्चों फोर्थ आ गया, एनिमल पूछे तो उसमें क्या दे दोगे, प्रोटीएज और लाइपेज दोनों ही। अगला 78, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ, मेंस्ट्रुअल फ्लो किसकी कमी से स्टार्ट होता है, आर्तो प्रभाव है। बच्चों ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग फेज कब स्टार्ट होगी, तो इसमें बात सीधी सी है कि जो कार्पस ल्यूटियम बनता ना, जिससे कौन सा हार्मोन आता है, प्रोजेस्टेरोन। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो कार्पस ल्यूटियम कंटीन्यूअस प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, स्पर्म है ही नहीं बच्चों, तो कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट इन कार्पस एल्बिकेंस, और जब कार्पस एल्बिकेंस बन गया तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, कम, और इसके कम होते ही फिर से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट। तो सिंपल सी बात है, हम बोलते हैं ना कि मेंस्ट्रुअल फ्लो का या मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप रुकना इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यूअस रहेगी, और उसका ये रीजन आ गया प्रोजेस्टेरोन का कम होना, डिक्लाइन होना, जिससे ब्लीडिंग फेज स्टार्ट। क्लियर, वैसे एस्ट्रोजन भी आ सकता है बट मोर प्रोपर इसमें प्रोजेस्टेरोन। ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय, ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये जो गैसेज CO2 वगैरह बच्चों बढ़ रही है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, सीधी सी बात है पेड़ पौधे लगाओ, इंक्रीजिंग डिफोरेस्टेशन, वनोन्मूलन में वृद्धि करके, वनोन्मूलन थोड़ी, पेड़ थोड़ी काटने हैं ज्यादा, रिड्यूसिंग डिफोरेस्टेशन, कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो ये फॉसिल फ्यूल को भी, इनको भी कम यूज करके बच्चों अपन ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं, उन गैसेज के इफेक्ट को कम कर सकते हैं, ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ, पोल्यूशन को कम करो। सेकेंड, Which one of the following is not used for XC2 plants conversion? XC2, in situ or XC2? In situ वही XC2 जो natural habitat है उसके अलावा बच्चों कहीं और, तो botanical garden, field gene bank, seed banks, तो इसमें आगे shifting cultivation, ये crop वाला है, खेती वाला, इसमें बच्चों वो एक जगह उसी में क्रोप को जलाकर जो राख बनी उससे उसकी जो फर्टिलिटी बढ़ाकर वहाँ खेती की जाए, फिर दूसरी जगह ये प्रोसेस अपनाई जाए, दैट्स कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ XC2 प्लांट कंजर्वेशन। फोर्थ हो गया, क्लियर। अगला, ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट बायोगैसेज आर प्रोड्यूस विच इंक्लूड, सीवेज ट्रीटमेंट में जो वाइट जल मल उपचार में जो गैसेज आती है उनमें बच्चों कौन कौन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, थिन तो फिर भी मिल जाए, नाइट्रोजन उसमें अवेलेबल नहीं होती, मिथेन ऑक्सीजन बच्चों नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड मिथेन सल्फर डाइऑक्साइड तीनों है, देखो सेकेंड और फोर्थ दोनों सही है, बट अमाउंट के बेस पर सल्फर डाइऑक्साइड कंपेरेटिवली कम होती है, और CO2 का तो मैंने रोल ही है, तो इसमें आंसर अपना सेकेंड। ये लो सेंट्रल डोगमा के बारे में पूछ लिया, डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, और देने वाला साइंटिस्ट कौन थे, फ्रांसिस क्रिक, तो दूसरा लग रहा है, दूसरा नहीं, कौन सा, फोर्थ, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन और फ्रांसिस क्रिक, वाटसन क्रिक, वही बच्चों, ये सेंट्रल डोगमा केंद्रीय सिद्धांत, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाई द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन ए केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाई डीएनए एंजाइम से, बच्चों डीएनए के फ्रेगमेंट अपन ने कट लगा के टुकड़े बनाए, उन्हें साइज के बेस पर अपन कौन सी टेक्निक से सेपरेट करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में क्या दे रखा है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बस इलेक्ट्रोफोरेसिस में कैथोड एनोड, हल्का जब इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए किधर जाएगा, पॉजिटिव एनोड की ओर जाएगा बच्चों। चलियो, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाई ए पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम से बच्चों जो कॉम्प्लेक्स बना, हाँ उसको बाइवेलेंट या तो टेट्राड स्टेज बोल देते हैं, क्रॉसिंग ओवर, वही एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम।
द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हिमोफीलिया, हिमोफीलिया के संदर्भ में गलत कथन चुन लो, जेनेटिक्स में मिल जाएगा। ए सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड, बिल्कुल ब्लड स्कंदन से रिलेटेड प्रोटीन प्रभावित होती है। हीमोफीलिया में बच्चों ब्लड क्लोट नहीं होता, या तो डिले होता है, देरी से होता है। इट इज ए सेक्स लिंक डिजीज, सही है, एक्स पर होती है इसकी जीन, ये एक्स है, गलत नहीं, एक्स लिखा है मैंने। इट इज ए रिसेसिव होती है, नॉट डोमिनेंट, इट इज डोमिनेंट डिजीज, गलत हो गया ना। हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस दोनों की दोनों बच्चों कैसी है, रिसेसिव है, प्रभावी। Which of the following statement is correct in relation to endocrine system? Endocrine related correct statement ढूंढो। Releasing and inhibitory hormone are produced by pituitary gland, RH और IH। Pituitary से थोड़ी आते हैं, hypothalamus से आते हैं, गलत। Adenohypophysis under direct neural regulation of hypothalamus। Adenohypophysis बच्चों सीधा hypothalamus के तंत्री के नियमन में नहीं होता, neurohypophysis posterior pituitary control में होती है, इसलिए उसका नाम ही neuro होता है, तो वो हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में होगा बच्चों, गलत। ऑर्गन्स इन द बॉडी लाइक जीआईटी, हार्ट, किडनी एंड लीवर डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन, ये भी हार्मोन देते हैं, जैसे जीआईटी से गैस्ट्रिन आ गया, सिक्रीटिन आ गया, हार्ट से बच्चों एएनएफ आ गया, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स प्रोड्यूस बाय द बॉडी लेस ट्रेस अमाउंट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर आर नोन एज हार्मोन। तो हार्मोन की वो जो साइंटिफिक डेफिनेशन बच्चों ये दे रखी है ना, नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, ट्रेस और इंटरसेलुलर मैसेंजर। नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब न्यूट्रिशन नहीं देंगे, ट्रेस का मतलब अत्यंत कम, बिकॉज रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, और इंटरसेलुलर में। तो बच्चों हार्मोन अपने एनसीईआरटी में डेफिनेशन दे रखी है, नॉन न्यूट्रिएंट हो गए, न्यूट्रिशन नहीं देते, ट्रेस अमाउंट का मतलब कम अमाउंट में रिलीज होते हैं, और इंटरसेलुलर मैसेंजर सेल्स तक मैसेज को कन्वे करते हैं, लेकर जाते हैं, इसीलिए हार्मोन बच्चों प्राइमरी और केमिकल मैसेंजर भी कहलाते हैं। अगला क्या पूछ रहा है, लेंटिकल्स आर इन्वॉल्व्ड इन, लेंटिकल्स का रोल स्टेम पर मिलते हैं, हाँ मेन बच्चों गैसियस एक्सचेंज में, क्योंकि ट्रांसपिरेशन में मेन रोल तो किसका, स्टोमेटा का होता है, तो यहां आ जाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस थर्ड हो जाएगा। मैच द नेम ऑफ एनिमल, फिर टेक्सोनॉमी का क्वेश्चन आ गया बच्चों, कॉलम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अच्छा तीनों को मैच करते हुए देखो, एडेमसिया, स्लेंट्रेटा, रेडियल सिमेट्री, पोरीफेरा, पोरीफेरा गलत हो गया, स्लेंट्रेटा का मेंबर है बच्चों, पेट्रोमाइजोन, एक्टोपैरासाइट, साइक्लोस्टोमेटा याद आएगा, लेम्प्रे, लेम्प्रे एक्टोपैरासाइट मछलियों का बाह्य परजीवी और साइक्लोस्टोमेट होता है, एग्नेथा है, जबड़े एब्सेंट होते हैं, जो एब्सेंट इसका लार्वा एमोसीट वो भी पूछा हुआ है, इक्टियोफिस टेरेस्ट्रियल है, रेप्टाइल है, रेप्टाइल नहीं एम्फीबिया होता है, लिमुलस स्पीसीज नहीं आर्थ्रोपोड है बच्चों, लिमुलस लिविंग फॉसिल ध्यान रख लेना, जीवित जीवाश्म। अगला, व्हाट इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिक्वेंस, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, पहली लग रही है अपने को, तो स्पर्मेटिड नहीं आएगा, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट, पहले स्पर्मेटोजोआ नहीं आए, फर्स्ट हो गई स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म को ही बोलते हैं। चलते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 90, मैक्रोमोलिक्यूल काइटीन इज, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन, काइटीन इज पॉलीमर ऑफ एनएजी, नाग, एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन, तो एन एसिटिल का मतलब इसमें कौन होगा, नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, ये होमोपोलीमर होता है बच्चों, कौन, काइटीन। तो आज का बच्चों ये जो अपना लेक्चर था, इसमें अपन ने नीट AIPMT 2013 तीन वाला बायोलॉजी का पेपर आप लोगों के लिए मैंने सॉल्व करवाया, उसके साथ प्रॉपर कंसेप्ट भी बच्चों अपने क्लियर हुए। नेक्स्ट लेक्चर में एक मैं एनटीए का भी पेपर, जब तक आपका एग्जाम होता है, पूरी कोशिश करूंगा कि तब तक एनटीए के भी दो तीन पेपर और 2012-11 AIPMT वाले पेपर भी मैं आपको सॉल्व करके आप लोगों के लिए लेकर आऊं। बस आप यूं ही बच्चों ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ अपने सब्जेक्ट से जुड़े रहें, अपना टारगेट यही है कि जो आपका एग्जाम की डेट फिक्स हो चुकी है उसमें अपने को क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, नाम के आगे अपने को पेरेंट्स के लिए, अपने ड्रीम के लिए डॉक्टर लगाना है बच्चों। मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, थैंक यू, जय हिंद।